नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील कुमार और स्वागत करता हूं आपका इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं ये स्मार्ट वॉच का, जो कि है बोट की तरफ से और इसका जो मॉडल है वो है स्ट्रॉम। ये वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग स्मार्ट वॉचेज है इंटरनेट पे। अगर कोई स्मार्ट वॉच अगर आप 3000 के अंडर कोई ढूंढोगे तो ये सबसे ज़्यादा बिकने वाली स्मार्ट वॉचेज में से एक है। तो आज की इसकी वीडियो में हम देखेंगे कि क्या हमें ये स्मार्ट वॉच लेनी चाहिए। अगर आपका बजट 3000 है तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि 3000 के अंडर हमें ये स्मार्ट वॉच लेनी चाहिए या कोई और ऑप्शन हमें ढूंढना चाहिए। इसके सारे प्रोज एंड कॉन्स मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा और फिर आप आसानी से डिसाइड कर पाओगे कि आपको ये स्मार्ट वॉच लेनी चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारी स्मार्ट वॉच जिसका मॉडल नंबर है जो है बोट की तरफ से और इसको कहते हैं स्ट्रॉम। इसका जो मॉडल है वो है स्ट्रॉम। तो ये है घड़ी, इसके जो स्टिकर है हम इसको पील ऑफ कर देते हैं। तो ये है हमारी स्मार्ट वॉच, क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छी है। जितना हम प्राइस पे कर रहे हैं उसके हिसाब से ये बहुत ही अच्छी है। बाय द वे मैं आपको बता दूं, ये आपको ऑनलाइन मिल जाती है 2000 से लेके 3000 रुपए के बीच में। इसका प्राइस वेरी करता रहता है, डिपेंड करता है, अगर कोई सेल लगी हो तो आपको ये बहुत ही अच्छे प्राइस पे मिल सकती है। स्ट्रैप की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे आपको कुछ सेंसर्स दिए गए हैं, ये सेंसर्स की मदद से ये ब्लड प्रेशर और जो दूसरी जैसे हार्ट बीट और ऐसी चीज़ें ये रिकॉर्ड करता है इन सेंसर्स की वजह से। और ये जो यहाँ पे ये दिए गए, ये है चार्जिंग, यहाँ पे आप चार्जर लगाओगे। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे चार्जिंग करने के लिए आप यहाँ पे ये जो इसको इन पॉइंट्स को यहाँ पे कनेक्ट कर दोगे और अपने यूएसबी चार्जर या लैपटॉप के साथ इसको चार्ज कर सकते हो। बाय द वे मैं आपको बता दूँ, इसके साथ आपको चार्जर नहीं मिलने वाला है। ज़्यादातर स्मार्ट वॉच के साथ आपको चार्जर नहीं मिलता है। तो चलिए अभी हम इसको ऑन कर लेते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। जो मटेरियल यूज़ किया गया है बोट की तरफ से, प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा यूज़ किया गया है, इसीलिए शायद ये वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग स्मार्ट वॉच है ऑनलाइन। तो चलिए अभी हम इसको ऑन करके देखते हैं। और मैं आपको बता दूँ, जब आप फर्स्ट टाइम इसको ऑन करोगे तो आपको पहले इसको चार्ज पे लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, ये इसका जो आपको पहले जो होम पेज दिखेगा ऐसा दिखेगा। अगर आप इसको स्वाइप अप करोगे तो आपको यहाँ पे जैसे फुट रिकॉर्डर है, ये एक्टिविटी आपकी रिकॉर्ड करेगा, जैसे कितने माइल्स आपने चले हो आप वो करेगा, और ये जो कितनी कैलोरीज बर्न की है वो रिकॉर्ड करता है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको वीक का टोटल दिख जाता है। तो चलिए अभी हम यहाँ पे आपको टेक्स्ट मैसेजेस भी दिख जाते हैं अगर आप इसको आप फ़ोन के साथ कनेक्ट करोगे तो। ओके, तो यहाँ पे अगर हम इधर को स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको दिख जाते हैं बहुत सारे मेन्यूज़। जैसे पहले नंबर पे हमारे पास स्पोर्ट्स में हम देख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास स्पोर्ट्स में। पहले नंबर पे हम रन का हमें ऑप्शन मिल रहा है, अगर आप रनिंग कर रहे हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। वॉक का भी ऑप्शन है, अगर आप वॉक करते हो तो ये ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो। बाइक अगर आप चला रहे हो तो आप बाइक का यूज़ कर सकते हो। हाइकिंग कर रहे हो तो हाइक का यूज़ कर सकते हो। क्लाइंबिंग भी यूज़ है इसमें, ऑप्शन है। ट्रेडमिल पे अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप ट्रेडमिल का ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास योगा और स्पिनिंग का भी ऑप्शन है। सॉरी, यहाँ पे मुझसे ऑन हो गया। इसी तरह हार्ट रेट आप चेक कर सकते हो, ये भी हम थोड़ी देर में देखेंगे जब मैं इसको पहन लूँगा, मैं आपको बताऊँगा। ब्लड ऑक्सीजन लेवल आप चेक कर सकते हो, ब्लड प्रेशर इससे आप मेजर कर सकते हो। और क्या है, रिलैक्स मोड में आपको ये एक्सरसाइज कराता है, ब्रीदिंग और एक्सहेल की ब्रीदिंग की एक्सरसाइज कराता है ये आपको। आपको इनहेल और एक्सहेल करना पड़ता है अपना जो सांस है, और आपको इसके मीडियम से आपको रिलैक्स करने की कोशिश करता है। इसमें आपको 1 मिनट और 2 मिनट के ऑप्शन मिल जाएंगे। ओके, बैक जाते हैं हम। उसमें आपको अलार्म सेट कर सकते हो आप, इसके अलावा आपके पास टाइमर है, म्यूज़िक कंट्रोल कर सकते हो आप। अगर आपने इसको अपने स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट किया हुआ है तो आप म्यूज़िक भी कंट्रोल कर सकते हो इससे। इसके अलावा आपको सेटिंग्स में मिल जाएंगे और ऑप्शंस, वो हम देखते हैं। उससे पहले आपके पास स्पोर्ट्स रैकेट होगा, इसमें आपको क्या होगा कि आप अपने एक्टिविटीज़ जो भी आपने की हुई है वो इसमें आपको वो सारा डाटा मिल जाएगा। सेटिंग्स में हम देखते हैं, डायल में आपको डिफरेंट डिज़ाइन मिल जाते हैं डायल्स के। एज ऑफ नाउ सिर्फ 3 ही डिज़ाइन है, इसमें आपको एनालॉग का ऑप्शन भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हो, जैसे मैं बिल्कुल कम हो गई अभी ब्राइटनेस, देखिए थोड़ी ज़्यादा हो गई और यहाँ पे अभी फुल ब्राइटनेस है। इसके अलावा अबाउट में आप चेक कर सकते हो इसमें इसका जो सॉफ्टवेयर वर्जन है वो कौन सा है, और इसको आप अपडेट कर सकते हो बोट की ऑफिशियल ऐप को इंस्टॉल करके अपने फ़ोन में।
और इसको आपको कनेक्ट करना पड़ेगा अपने फ़ोन के साथ। शट डाउन करने के लिए आपको सेटिंग्स में जाके यहाँ पे नीचे शट डाउन का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। यही सारे ऑप्शन हैं बेसिकली इसमें, जो भी स्मार्ट वॉच में आपको जो भी ऑप्शन होते हैं वो आपको इसमें मिल रहे हैं। तो अभी हम इसको पहन के देखते हैं कि कैसी ये लगेगी हमें। तो यहाँ पे देखिए, अभी मैंने इसको पहन लिया है, अभी मैं पुरानी वॉच को अपनी को रख देता हूँ साइड पे। इसमें ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, देखिए जब भी आप रिस्क को ऊपर को करोगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली ये डिस्क की डिस्प्ले वेकअप हो जाती है आपको टाइम दिखाने के लिए। तो देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है, जैसे कि मैंने बताया कि क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, आपको सारे फीचर्स मिल रहे हैं जो भी एक स्मार्ट वॉच में होने चाहिए, सारे बेसिकली सारे ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। तो एक बार हम क्या करते हैं, इसमें अपना हार्ट रेट चेक करके देख लेते हैं। जैसे हम पहले हार्ट रेट चेक करते हैं, हार्ट रेट चेक करने के लिए आपको अपनी आर्म को स्टिल रखना पड़ता है। और बाय द वे मैं आपको बता दूं, ये आपको मेडिकल पर्पसेस के लिए आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। अभी देखिए मेरे हार्ट रेट इसने जो बताई है 89 BPM बताई है, और जैसे कि मैं बता रहा था कि आप इस पर टोटली रिलाई नहीं कर सकते। अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशंस हैं तो आप इन वॉचेस पे रिलाई मत करना। जो एक्चुअल मेडिकल डिवाइसेस होते हैं हार्ट रेट डिवाइस को, हार्ट रेट को मेजर करने के लिए, आप वही यूज़ करना, ठीक है। ये सिर्फ एक्टिविटीज़ को ट्रैक करने के लिए होते हैं और इनकी एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। जैसे अभी ब्लड ऑक्सीजन लेवल हम चेक कर लेते हैं, जैसे कि मैंने बताया चेक करने के लिए आपको अपनी आर्म्स को स्टिल रखना पड़ता है। मैं फिर से बता दूं, आपको इन पर रिलाई नहीं करना है, ये सिर्फ वैसे ही एक्टिविटीज़ चेक करने के लिए होती है, एक्यूरेसी इनकी ज़्यादा नहीं होती है। तो देखिए ऑक्सीजन लेवल मेरा बता रहा है 97%। अभी मैं यहाँ पे पावर बटन दबाऊंगा, बैक जाऊंगा। इसी तरह हम ब्लड प्रेशर भी चेक कर सकते हैं, हम देखते हैं हमारा ब्लड प्रेशर अभी मेरा कितना बताता है। देखिए अभी जो मेरा बता रहा है हार्ट रेट 116 एंड 64 बता रहा है। तो ये है हमारा जो होम पेज इसका ऐप का, इसका वॉच का। यहाँ पे देखिए बैटरी लेवल दिख रहा है जो कि 71%, उसके साथ आपको डेट टाइम सब कुछ दिख रहा है। यहाँ पे आप इसको अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट भी कर सकते हो, उसके लिए आपको ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए इस साइड हम स्वाइप करेंगे तो हमें बहुत सारे और ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे फंक्शन ऑफ हो गया, कौन सा हुआ ये नहीं पता, हार्ट रेट का ऑप्शन हो गया। ओके यहाँ पे ये देखिए, जैसे मैं आपको ये करता हूँ, देखिए अभी वेकअप हो जाता है, यहाँ से आप ऑफ कर सकते हो इसको। अभी देखिए ये डिस्प्ले इसकी ऑन नहीं हो रही क्योंकि हमने वो ऑप्शन बंद कर दिया। अगर आप इसको ऑन करना चाहते हो, यहाँ पे पावर ऑन करना, इधर को करना और ये वाला रिस्ट पे जो बने हुए हैं इसको आप ऑन कर देना। अभी देखिए अभी होगा, ये देखिए इसकी टच की सेंसिटिविटी बहुत ही अच्छी है। ओके तो यहाँ पे मैं आपको सिंपली बता दूँ, अगर आप 3000 रुपये में कोई अच्छी स्मार्ट वॉच ढूंढ रहे हो तो इससे अच्छा ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाला है। पर्सनली मैंने इस वॉच को यूज़ किया है और मुझे जो प्राइस रेंज ये जो मैंने बताया कि अंडर 3000, ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। आप इनको आसानी से, आप इसको पक्का बाय कर सकते हो, ये आपको लेट डाउन नहीं करेगा। और भी अच्छी स्मार्ट वॉचेज होती हैं जिनकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे कि आप जानते हो वो उनके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा। लेकिन ये जो स्मार्ट वॉच है बहुत ही अच्छी है, अंडर 3000 आप इसको 100% बाय कर सकते हो, ये आपको लेट डाउन नहीं करेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अच्छे वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।